दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। कुरियर कंपनी के कार्टून में कोबरा सांप मिलने का वाकया सामने आया है। सोमवार की रात हुई इस घटना से न्यू ज्ञानेश्वर नगर में खलबली मच गई। सेवानिवृत्त शिक्षक सुनील लखेटे पत्नी के साथ रहते हैं। उनकी बेटी बेंगलोर में काम करती है। डेढ़ साल पहले वर्क फ्रॉम आरंभ होने से वह नागपुर आ गई। उसने अपने सामान सहयोगी के पास रख दिया। वर्क फ्रॉम होम खत्म होने की संभावना नजर नहीं आने से लखेटे की बेटी ने सहयोगी को अपना सामान कुरियर से भेजने को कहा। उसके एक सहयोगी ने 7-8 कार्टून तथा कंटेनर में सामान नागपुर भेज दिया। 3 दिन पहले सामान वाड़ी स्थित कुरियर कंपनी के कार्यालय में पहुंचा। सोमवार को सामान की डिलीवरी लखेटे को दी गई। रात 9 बजे लखेटे दंपति तथा बेटी कार्टून खोलकर सामान निकाल रहे थे। उन्होंने जैसे ही चौथे कार्टून को खोला तो उसमें सामान के साथ सांप नजर आया। लखेटे दंपति और उनकी बेटी घबराकर भाग खड़े हुए। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। लखेटे दंपति ने लकड़ी की मदद से कार्टून को घर के बाहर लाया। वहां उन्होंने जैसे ही कार्टून को उल्टा किया उसमें से करीब 5 फुट सांप निकल आया। परिसर के एक सर्पमित्र ने सांप को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सांप के फुफकाते ही सर्पमित्र के पांव ठिटक गए। इसी बीच सांप तेजी से निकल गया। सर्पमित्र ने सांप कोबरा प्रजाति का होना ऐसा बताया। कार्टून में एक सुराग था, उससे सांप के कार्टून में जाने का संदेह है। सर्पमित्रों का कहना है कि सांप सुराग नहीं कर सकता है। ऐसे में सुराग किसी ने किया अथवा अनायास ही छूट गया, इसका पता लगाना संभव नहीं है। इस घटना से लखेटे परिवार तथा परिसर के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि सांप द्वारा कोई हानि नहीं पहुँचाए जाने से लखेटे परिवार ने राहत की सांस ली है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।